हेलो दोस्तों नमस्कार, उमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हुई या नहीं हुई, मामला कहाँ जाके रुका, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन की जो अगली सुनवाई तारीख है वह 15 तारीख है, तो 15 तारीख क्यों मिली तारीख, ये सारी की सारी जानकारी हम जानेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। हालांकि देखिए दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे रीजंस हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन को लेके, पेंशन वृद्धि से संबंधित। हालांकि कौन बहुत सारे जो रीजन हैं उन सारे रीजनों को छोड़ते हुए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो सुनवाई होनी थी तीन जजों के बेंच पर, क्या ऐसा मोड़ आया कि तीन जजों के बेंच पर जो सुनवाई होनी थी वह सुनवाई 15 तारीख को होनी शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों इसी के ऊपर हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो दोनों पसंद आती हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। हालांकि मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं इसलिए ताकि मेरे YouTube चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालूं, जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। चलिए दोस्तों मैं फटाफट से वीडियो शुरू करता हूँ, जो काम की बात है वो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज 12 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में सुनवाई को लेके ये हुआ था कि आज सुनवाई होगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका जो मन था मनसा थी वह पूरी हुई थी और आज काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता के साथ में इस इंतजार में थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या सामने रिजल्ट निकल के आएगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले पूरे YouTube में सबसे पहले मेरे ही चैनल के माध्यम से बताया गया था ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो तो वृद्धि को लेकर जानकारी अपडेट की गई थी कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर क्या मामला सामने सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है 15 तारीख वाला डेट को लेकर। सबसे पहला वीडियो मेरा ही था, उस वीडियो में यह बताया गया था, एक पोस्ट मिली थी जिस पोस्ट में यह जानकारी दी गई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का ये जो आज 12 तारीख को केस था उसे पोस्टपोन करके 15/7/2022 कर दिया गया है, यानी कि 15 तारीख फ्राइडे का दिन है शायद, तो फ्राइडे के दिन में सुनवाई होगा। अब मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रीज़न क्या है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन में एक तो इतने लंबे दिन समय बाद डेट मिली और डेट भी पोस्टपोन हो गई, अगली डेट मिल गई। अगली डेट मिलने के पीछे का रीज़न ये है कि माननीय रविंद्र भट्ट जी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के तीन जजों के बेंच पे एक जज वो भी थे, एक बेंच पे जज वो भी करते थे, उनको इस्तीफा देना था। हालांकि इसके पीछे की क्या कहानी है, ये कहानी बड़ी लंबी है, दूसरी कहानी है, इस कहानी पे हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे का सच रीज़न क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो मामला आपके समझ में आया है कि उनको इस्तीफा देना था, इस्तीफा देने की बदौलत जो तो डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, डेट 15/7/2022 कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे भी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से करूंगा कि अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से मेरा वीडियो नहीं देखते हैं फैक्ट टू फैक्ट शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको जानकारी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। मैं सबसे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी YouTube चैनल हैं जो चंद दिनों खोले गए हैं लेकिन आज काफ़ी अच्छा कि व्यू भी आ रहा है उनके चैनल पे और जो तो उनके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ फेक जो तो न्यूज़ आप लोगों को दिखा के। हालांकि उनके YouTube चैनल पे आप कभी भी देखेंगे तो कभी भी कुछ भी थंबनेल लिखा रहेगा उसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट लोग कुछ भी डाल देंगे, सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, कुछ भी मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सामने से आके ऑन कैमरा आके जो आप तक पहुँचाए जानकारी आप सिर्फ और सिर्फ उनके चैनल को ही देखें, चाहे वो कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कैमरे के सामने आके आप तक जानकारी दे रहे हैं जहाँ तक मैं मानता हूँ वो बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुँचा रहे होंगे। बाकी ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान और दूर हो जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने आपको गुमराह करने का काम करते हैं। ये तो पर्सनली जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है। और दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख के अपडेट को लेके कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आए, जो निष्कर्ष निकले वो बढ़िया निकले। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।
और नए अपडेट में। फिलहाल हम लोग जो 15 तारीख को अपडेट आने वाला है ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित, उससे संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी जानकारी आएगी उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता रहूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जल्द ही माननीय एनएससी के टीम के द्वारा जो अपील की गई है उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। हालांकि और भी बहुत सारे वीडियो हमारे बैकअप में हैं जो एनएससी के टीम के द्वारा लगातार संघर्ष किए गए हैं उन टीमों और जो, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।